हाँ दोस्तों, कैसे मेरे भाई, एक और नए BSNL के अपडेट के साथ। दोस्तों, क्या आप लोग जियो एयरटेल वोडाफोन से BSNL की तरफ जा सकते हैं दोस्तों? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये मेरे भाई, अभी भी आप इस समय भाई, यानी कि बात करें वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया दोस्तों, यानी कि इस सिम को हम लोग BSNL में पोर्ट करा सकते हैं। और हम लोग को पोर्ट कराना दोस्तों सही है या गलत है, हमारे एरिया यानी कि आपके एरिया में BSNL का सर्विस कैसा रहता है दोस्तों, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और हाँ, ये भी बात करेंगे दोस्तों, आप लोग को BSNL का जो सिम है यानी कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन, उसको BSNL में पोर्ट कराना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे भाई, आपकी एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मोटिवेटर काम करता है, इसलिए बोलता हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, एक प्यारा सा लाइक कर दो फटाफट जाके भाई, और प्यारा सा कमेंट करना वीडियो के लास्ट में भाई, आपको कैसा लगा। और आपके एरिया में BSNL 4G, 5G या 3G या उसकी सर्विस कैसे चलती भाई, यानी कि उसका नेटवर्क कैसा रहता है BSNL का, इसके लिए भाई आप प्यारा सा एक कमेंट्स करना, ताकि दोस्तों हमको भी एक अपडेट्स मिल सके आप लोग के, जैसे कि हाँ BSNL अभी तक कहाँ पे, कौन से एरिया में कैसा उसका सर्विस है दोस्तों। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अभी इस टाइम हम लोग BSNL का सिम ले सकते हैं, या बात करें अपने सिम को, यानी जो भी आपके पास जियो, एयरटेल और वोडाफोन, उसको आप लोग BSNL में बिल्कुल पोर्ट करा सकते हैं दोस्तों। बात करें पोर्ट की, तो दोस्तों आप बिल्कुल आसान तरीके से उसको पोर्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे भाई, उसको पोर्ट कराने के बाद आपके सर्विस की बात करें, तो भाई आप लोग 4G, 5G का यूज नहीं कर पाओगे, 4G 5 का यूज आप लोग नहीं कर पाओगे। साथ में भाई, कहीं पर 3G चलता है, कहीं पर 3G भी नहीं चलता, कहीं पर 4G चलता है, कहीं 4G भी नहीं चलता, कहीं भी 5G चलता है, कहीं 5G भी नहीं चलता, यानी कि इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि ताकि दोस्तों आप लोग BSNL की तरफ जा सको। हाँ, मैं एक बात करूँगा भाई, अगर आप सिम लेना चाहते हैं यानी कि पोर्ट करा रहे हैं, तो अपने सिम को पोर्ट ना कराएं, आप एक नई सिम ले लें भाई। आप नई सिम लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा भाई, आप 150 रुपये में या 100 रुपये में आपको एक सिम मिल जाएगी, उसे आपको भाई एक महीने का रिचार्ज भी मिल जाएगा, प्लस आपको यानी कि रोज 1.5 GB डाटा आपको कुल 30 दिन के लिए मिलेगा मेरे भाई। और सिम को पोर्ट कराने जाओगे तो भाई वहाँ पर आपको 100-200 रुपये देने पड़ेगा, इसलिए बोलता हूँ अभी भी आप BSNL का सिम ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बात करें, अगर आप वोडाफोन, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इससे आप BSNL की तरफ जाना चाहते हैं, उससे BSNL में पोर्ट करा रहे हैं मेरे भाई, तो आपके लिए सबसे बड़ी गलती दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ अभी आप अपने सिम को BSNL में पोर्ट ना कराएं दोस्तों, नहीं तो अभी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। कॉलिंग से बिल्कुल बातें कर सकते हो, और बहुत सारे एरिया ऐसे जहाँ पर अभी कॉलिंग सिस्टम भी नहीं है BSNL का, इसलिए बोलता हूँ अभी भी दोस्तों आप अपने घर में तो चला लेंगे, आप अपने घर में BSNL का यूज़ कर लेंगे, आपके बाई चांस आपके एरिया में नेटवर्क है, लेकिन आप कहीं जा रहे हो तो भाई, कहीं से कहीं दूर जा रहे हो, तो उसके लिए मेरे भाई आपको BSNL का तकलीफ है, BSNL का इंटरनेट आपको नहीं मिलेगा, कहीं कहीं ऐसा होता है भाई उसका नेटवर्क भी नहीं रहता, इसलिए बोल रहा हूँ कि BSNL का सिम ले लें एक अलग, और पोर्ट ना कराएं दोस्तों। जैसे ही BSNL के एरिया से आपका कौन सा एरिया, आप लोग एक पैसा कमेंट करें कि आप लोग कहाँ से हो, इसके लिए एक कमेंट करना दोस्तों, ताकि हम उसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो बना सकें, हाँ कि आपके एरिया में BSNL का नेट कैसे चलता है, और हाँ आपके एरिया में BSNL का 4G 5G आखिर कब तक आएगा, और आ गया है तो भाई एक कमेंट्स करना दोस्तों इसे। और नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।